राधा रानी के जय महारानी के जय। कृष्ण का नाम है मदन मोहन। मदन का मतलब है अट्रैक्शन, कामदेव, किसी भी प्रकार का अट्रैक्शन जो हम जानते हैं, जिससे हम अट्रैक्ट होते हैं या जो नहीं जानते हैं और जिससे हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जैसे पृथ्वी लोक में जो भी कुछ बेस्ट है हम उसके लिए अट्रैक्टेड हैं। स्वर्ग लोग जाएंगे तो और थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स बेटर फैसिलिटी और अट्रैक्शन है, और फिर उससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कामदेव वो है मदन। और मदन को अट्रैक्ट करते हैं मदन मोहन कृष्ण, उनका नाम है मदन मोहन। मोहन मतलब जिस जो मदन को मोहित कर लेते हैं, तो ये कृष्ण है क्योंकि कृष्ण के नाम का मतलब है ऑल अट्रैक्टिव, जो सबसे ज़्यादा आकर्षक है, और वो मदन को भी मोहित करते हैं ऐसे कृष्ण है। और कृष्ण को कौन अट्रैक्ट कर सकता है? मदन मोहन मोहिनी, मोहिनी जो मदन को मोहित करते हैं, मदन मोहन ऐसे मदन को मोहित करने वाली मोहिनी, मदन मोहन मोहिनी श्रीमती राधा रानी का नाम। वो अपनी भक्ति से, अपने प्रेम से, अपने सेवा भाव से, अपनी ह्यूमिलिटी से, अटर ह्यूमिलिटी एंड अटर सर्विस एटीट्यूड, मैक्सिमम सर्विस एटीट्यूड एंड मैक्सिमम ह्यूमिलिटी उसकी मूर्ति और प्रेम की मूर्ति हैं श्रीमती राधा रानी, जिसकी वजह से वो मदन को मोहित करने वाले मदन मोहन कृष्ण, और मदन मोहन जो कृष्ण है उसको मोहित करने वाली मदन मोहन मोहिनी। अब हमें जानना चाहिए हम मदन मोहन मोहिनी राधा रानी की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मदन मोहन मोहिनी श्रीमती राधा रानी सबसे बड़ी गुरु हैं, हाँ, और एक गुरु हैं बलराम जी। तो ये इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो गुरु हमें इस पृथ्वी लोक में मिलते हैं, जैसे कि शीला प्रभुपाद और शीला प्रभुपाद जी के अनुयायी, इनको हमें प्रसन्न करके हम मदन मोहन मोहिनी की कृपा, श्रीमती राधा रानी की कृपा और फिर कृष्ण की कृपा उनके माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका क्या मेथड है, इसको शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हमें कृपा चाहिए श्रीमती राधा रानी की। श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हमें श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए, और श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए, श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें शीला प्रभुपाद की कृपा चाहिए, शीला प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें उनके अनुगत्य जो उनके शिष्य और हमारे गुरु हैं उनकी कृपा चाहिए, और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए जब हम हर जीव के हृदय को ठीक से डील कर पाएंगे, उनकी कृपा प्राप्त कर पाएंगे, उनको भक्ति सिखा पाएंगे या अपने इक्वल्स के प्रति प्रॉपर डील कर पाएंगे, अपने सीनियर्स के प्रति डील कर पाएंगे, तो इससे गुरु तृप्त होंगे। जब गुरु तृप्त होंगे तो प्रभुपाद जी तृप्त होंगे, प्रभुपाद संतुष्ट होंगे, श्री नित्यानंद प्रभु संतुष्ट होंगे, श्री चैतन्य महाप्रभु तृप्त होंगे, श्रीमती राधा रानी तृप्त होंगी, और इन सब की तृप्ति से, श्रीमती राधा रानी की तृप्ति से कृष्ण तृप्त होंगे, कृष्ण तृप्त होने से फिर वो हमें स्वीकार करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है? समभाव में अपने आप को लाना, अपने अहंकार को ख़त्म करना, सेवा भाव में आना, सेवा भाव में आकर हम हर जीव के प्रति अच्छा डीलिंग कर पाएंगे, और उससे हम पूरे गुरु परंपरा को तृप्त करते हुए श्रीमती राधा रानी की असीम कृपा प्राप्त करेंगे, और श्रीमती राधा रानी सैंक्शन करेंगी कृष्ण को, जिससे कृष्ण हमें स्वीकार करेंगे और हम अपने जीवन को परफेक्ट और आनंद और प्रेम से भर पाएंगे। हरे कृष्ण। राधा रानी के जय महा।